अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के चोरों ने एटीएम मशीन भी नहीं छोड़ी। इन चोरों ने भेसाली बस स्टैंड के पास इंडियन ओवरसीज बैंक में लगे एटीएम मशीन में थाना मेडिकल में इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम मशीन में लगे डिस्पेंसरों के साथ टैम्परिंग कर रुपये चोरी किए थे। रुद्रपुर इंदिरा चौक के रहने वाले दोनों बदमाश राकेश रॉय और मोहम्मद नाजिम अंसारी को मेरठ स्वाट और सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में चोरों ने बताया कि उन्होंने YouTube से वीडियो देखकर एटीएम मशीन खोलने का तरीका सीखा। इस बारे में पुलिस अधीक्षक ने यह जानकारी दी। टैपिंग करने वाला गैंग पकड़ गया है सर, कैसे टैपिंग करते थे और क्या इनके पास से बरामद हुआ, कैसे वारदात को अंजाम देते थे? देखिए, थाना सदर बाजार की टीम द्वारा एक इस गैंग का अनावरण किया गया है। ये कुछ उपकरण लगा के, जो कि बहुत साधारण से लोहे के पत्ती जैसे उपकरण होते हैं, इसको ये एटीएम के कैश वाले सेक्शन में लगा के छोड़ देते थे। उसके बाद जो कैश विड्रॉ करने आता था उसमें कैश इसमें फंस जाता था। उसके बाद जब वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता था तो ये आके उस कैश को निकाल ले जाते थे। तो इस तरह की एक घटना थाना सदर बाजार में संज्ञान में आया था। उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और सारी टीमें उसमें लगा दी गई थी। इसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, दोनों ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। एक का नाम नाजिम अंसारी है और दूसरे का नाम राकेश राय है, और इनके पास से वो सारे उस तरह के जो जिन उपकरणों की बात हो रही है वो भी बरामद हुआ है। अच्छा, कुछ वाहन भी हुए उनके पास से बरामद हुआ जी? एक वाहन जो घटना में ये प्रयोग करते थे वो भी बरामद हुआ। सर, इन्होंने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया, कुछ बताया? सर देखिए, जो मेरठ में जो घटनाएं हैं, एक उन्होंने थाना सदर बाजार में और एक मेडिकल थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना का अंजाम दिया था। दोनों में अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसको दोनों को विवेचना में सम्मिलित किया जा रहा है। इनको का आपराधिक इतिहास है कुछ? देखिए, अभी तक की जो जानकारी की गई है उसमें इन दो घटनाओं के अतिरिक्त पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया है। लेकिन अगर किसी अन्य राज्य में या किसी और जगह पर उन्होंने इस तरह की घटनाएं करी होंगी और वो प्रकाश में आता है तो अभी विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।